गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेवन चैप्टर. देखो बच्चों, आप लोगों को ये तो पता ही है कि अपनों ने ये बीच में थोड़ा सा गैप आ गया अपना. दिवाली वाली वेकेशन हो गई थी अपनी, हो रहा है तो उससे पहले अपना थोड़ा सा सेवन चैप्टर चल रहा था. तो बच्चों उसका वैसे तो अपना थोड़ा सा लास्ट टॉपिक रह गया था, पर आज मैं आपको जितना मैंने सेवन चैप्टर करवाया था उसको रिकॉल करवाऊंगी. ठीक है, तो बच्चों सब बच्चों ध्यान से सुनना. जिन्होंने ये चीज़ नहीं भी पढ़ी है, जिन्होंने चैप्टर नहीं भी किया है, ठीक है, तो वो दोबारा एक बार मेरे को सुन लेना. उसके बाद में आप लोग ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आएंगे. ठीक है, तो उससे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि अपना जो सिलेबस है वो 30% कट हो गया. मतलब कि आपके 17 चैप्टर्स में से टोटल आपके एनुअल एग्ज़ाम में सिर्फ 12 या 13 चैप्टर तक ही आएंगे. ठीक है, तो वो आपको पर्टिकुलर सारा सिलेबस जो भी चैप्टर आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा. पर जितने चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, 6 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 6 चैप्टर्स अब 7 जो अपना चल रहा है वहाँ तक तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, उसके अलावा जो चैप्टर्स आगे आएंगे वो आपको प्रॉपर बता दिए जाएंगे. ठीक है बच्चा, तो अपने थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपने दोबारा. जो अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो अपने इसको बेसिक जो चीज़ें अपनी थी कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, उसके बारे में अपने देख लेते हैं. व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग. देखो बच्चों, आप लोग इस चीज़ को आराम से समझ सकते हो कि नॉर्मल लैंग्वेज में कि अपने लिविंग यानी कि जिनमें जान होती है, और नॉन लिविंग अपने बेसिक बोल देते हैं कि जिसमें जान नहीं होती. तो बच्चों अब तक आप 6th क्लास में हो चुके हैं, आपको इन चीज़ों की समझ है कि कौन सी चीज़ को अपने कह सकते हैं कि जिंदा है और कौन सी कह सकते हैं जिसमें जान नहीं है, है ना. पर उसके लिए क्या था, आप लोगों ने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि किसको अपने लिविंग बोल सकते हैं, किसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं, तो वो अपने डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो लिविंग होता क्या है. देखो बच्चों, अपने आसपास आप इतनी सारी चीज़ें देखते हो ना, तो उसमें आपको पता चलता है कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग. जैसे अपने एग्जाम्पल लें, आप अपने आसपास देखते हो कि पेड़ हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, है ना, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, तो आप लोग ये सब चीज़ें देखते हो कि ये सब क्या है, लिविंग है ना. क्यों? क्योंकि इनमें ग्रोथ होती है. अपने देखते हैं इनमें फ्लावर्स आते हैं, है ना, एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, खाना खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, है ना. तो इन चीज़ों को अपने क्या बोल देते हैं, दीज आर लिविंग थिंग्स. फिर अपने बात करते हैं नॉन लिविंग की. तो बच्चों आप लोगों को पता, अपने आसपास आपने नॉन लिविंग थिंग्स भी बहुत सारी देखी. जैसे कोई बिल्डिंग है, है ना, कोई पास में अपनों ने देखा कि टेबल पड़ा है, चेयर पड़ी है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. हाउ कैन वी से दैट, अपने ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को बिना एक्सटर्नल मूवमेंट के, मतलब कि जब तक आप टेबल को अगर मेजर करो, अगर आपने एक टेबल को देखा है, अगर आप उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ या उसको टच ना करो या रिमूव ना करो, वहाँ से हटाओ नहीं, तो तब तक वो वहीं रहेगा, है ना. ये चीज़ होती है ना, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स, उनमें कोई ग्रोथ भी नहीं होती, ठीक है ना, वो मूवमेंट कर सकती हैं ना, वो अपनी एनर्जी बनाती हैं, समझ आ गया. तो उनमें क्या होता है, पर्टिकुलर जहाँ पड़ी हैं वहीं ही पड़ी रहती हैं, ठीक है. तो बेसिकली ये एक चीज़ अपने या एक क्राइटेरिया कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कैसी होती हैं, इस टाइप की होती है. तो ये तो क्या था, व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है. इसके बाद अपने सेकेंड पॉइंट जो अपना है उसके बारे में देखते हैं कि एक लिविंग और नॉन लिविंग के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कॉमन फीचर होते हैं उसके बारे में. कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो बच्चों क्या ऐसे कॉमन फीचर होते हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं और जो नॉन लिविंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में अपने अगर बात करें लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में क्या बात करें अपने, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बनी होती हैं, एक बेसिकली क्या बोल देते हैं उसको, स्ट्रक्चरल यूनिट्स. यानी कि एक इंसान की अगर आप बात करो, ह्यूमन बींग की, अगर अपने एक लिविंग के अंदर बात करें, क्या बात करते हैं बच्चों, लिविंग है, और इस साइड अपनों ने क्या लिख दिया, नॉन लिविंग. अब देखो बच्चों लिविंग के अंदर क्या होता है, अपने अगर ह्यूमन बींग की बात करें, ह्यूमन बींग यानी कि खुद अपने, तो अपने अंदर क्या होता है बच्चों की अपनी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से. सेल से मिलकर बनी है ना अपनी बॉडी. सेल होती है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर पूरा अपना बॉडी सिस्टम. तो बच्चों सेल जो होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ आवर लाइफ या फिर अवर बॉडी. समझ आ गया बच्चों. तो ह्यूमन बींग या लिविंग के अंदर अगर आप क्राइटेरिया देखो या कॉमन फीचर देखो, तो सब क्या मिलकर किससे मिलकर बने होते हैं, एक
स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है, जो उसकी छोटी इकाई होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई, यानी कि जिस चीजों से मिलकर अपनी पूरी की पूरी बॉडी बनी है। अब बच्चों अपने अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के अंदर भी यही होता है। क्या होता है? आप एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लो। किसका लो? बिल्डिंग का। बिल्डिंग है, बिल्डिंग की एक दीवार, ठीक है, या एक रूम, या पूरी की पूरी बिल्डिंग किससे मिलकर बनी है? ब्रिक्स से बनी है ना, ब्रिक्स से, ईंटों से मिलकर बनी है ना। तो ईंटें क्या होगी उसकी? एक स्मॉल यूनिट, या बोल दो कि एक बेसिक यूनिट होगी। यानी कि अगर अपने कॉमन फीचर की बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की, तो बच्चों उनका क्या होता है? ह्यूमन बींग्स का लिविंग अगर अपने एग्जाम्पल लेके चले तो कॉमन फीचर या फिर बोल दो एक यूनिट जो होती है, वो क्या होती है? सेल। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलकर बनी है उनकी बॉडी। अब उसके बाद में अपने अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के अंदर उन्होंने एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया, यानी कि एक इमारत है ना। तो एक इमारत है जो एक बिल्डिंग है, उसकी सबसे स्मॉल यूनिट यानी कि वो किससे मिलकर बनी है? ब्रिक्स से, यानी कि ईंटों से मिलकर इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था अपना सेकेंड नंबर पॉइंट, विच इज द कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आपको पता चल गया होगा कि अपने लिविंग और नॉन लिविंग के कॉमन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि ऐसे कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे पता चलता है कि ये थिंग लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले बच्चों अपने देखते हैं मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट, मूवमेंट समझते हो? आपकी बुक में पॉइंट दिया हुआ है इस टॉपिक में, सेवरल थिंग्स मूव, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मूवमेंट कर सकती हैं। तो उसके बारे में अपने देखते हैं। हाँ जी, तो अपने मूवमेंट की बात कर रहे थे। मूवमेंट के अंदर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि लिविंग के अंदर अपने पहले करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो लिविंग के अंदर क्या होता है ना कि अपनों ने ये चीज देखी है मूवमेंट, यानी कि आप लोगों ने ये चीज अपने आसपास ऑब्जर्व की होगी कि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, समझ रहे हो ना, यानी कि अपना खाना बनाना हो उनको, खाना खाना है उनको, शेल्टर यानी कि रहने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपने उनको नॉर्मली देखा होगा कि वो मूवमेंट करते हैं। अगर आप अपने में एग्जांपल लेके देखो, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर लेके देखो, तो अपने क्या करते हैं बच्चों? अगर अपने खाना बनाना है अपने लिए, बनाना है तो क्या करते हैं? अपने मार्केट जाते हैं, अपने लिए खाने की सामान लेके आते हैं और घर पे आके खाना बनाते हैं। मतलब कि अपने अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदगी जीने के लिए अपने क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, है ना। अब वैसे अगर अपने बात करें एनिमल्स के बाद प्लांट्स की, तो आप लोग कहोगे प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं है। नहीं बच्चों, अपने ये कह सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, बट आप लोगों ने सनफ्लावर के अगर अपने एग्जांपल देखे, किसके बारे में? सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं। सूरजमुखी का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस साइड सन की डायरेक्शन होती है, या सन जिस साइड होता है, ये अपना फेस उसी साइड टर्न कर लेता है। मतलब कि अपना एनर्जी बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, बट वहां से मूव नहीं करते। समझ आ गया? यानी कि हर एक जो लिविंग होता है वो अपने सर्वाइवल के लिए मूवमेंट शो करता है। ये तो था अपना मूवमेंट वाला करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं, बी पॉइंट जो अपना है उसके बारे में अपने बात करते हैं कि यहाँ पे अपना सेकेंड पॉइंट जो है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड जो है नॉन लिविंग, ये हो गया था। इसके बाद अपने सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल, अभी मैंने आपको बताया इस पॉइंट के बारे में, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब बच्चों मैंने आपको ये चीज बताई है, जो यहाँ पे सेल है, जिस सेल के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, ये क्या है बच्चों? अपनी बेसिक यूनिट है जिससे अपनी पूरी की पूरी बॉडी मिलकर बनी हुई है। पता ना ये चीज आपको, सेल क्या होती है? एक ह्यूमन बींग की या एक लिविंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे मिलकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है। तो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये चीज भी अपनों ने देख ली। नेक्स्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, जो क्या है अपना? लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि बच्चों जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर अपने प्लांट्स के बारे में देखें, एक आप छोटा सा पौधा लगाते हो, है ना,
एक थोड़े टाइम, मान लो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने लाइफ में अपनी एक प्लांट लगाया, छोटा सा पौधा लगाया, कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करते हो तो क्या करता है, बड़ा होने लगता है, होता है ना बड़ा, ग्रोथ होती है उसमें, वो अपना फूड बनाता है, सब कुछ करता है। कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करते हो, कई सालों के बाद, तो वो एक प्लांट जो था, छोटा पौधा जो था, आपने उसकी केयर की, उसको पानी दिया या जो भी है, वो बाद में एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स जो होती है वो ग्रो करती हैं। अब लिविंग थिंग्स के अंदर आप एग्जाम्पल ले लो, एनिमल्स के अंदर एक छोटा सा पपी होता है ना, तो क्या होता है, वो एक जो पप्पी होता है, एक डॉग का जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, छोटा सा होता है, उसके बाद में जैसे 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 टाइम निकलता है तो उसमें ग्रोथ होती है ना, उसकी पूरी की पूरी बॉडी डेवलप होती है और पूरे के पूरे एक डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज लिविंग थिंग्स हैव अ डिफाइनेट लाइफ स्पान। नेक्स्ट पॉइंट अपना मेंशन करते हैं अपने, लिविंग थिंग्स हैव डिफाइनेट लाइफ स्पान। अब देखो बच्चों, कईयों को इसका मतलब नहीं पता होगा क्या होता है लाइफ स्पान, क्या होता है अपनी उम्र, क्या होती है उम्र, जिसको अपने एज बोलते हैं। यानी कि एक एनिमल का या प्लांट का लाइफ स्पान, यानी कि जितना टाइम उसने जिंदा रहना है, कितना होता है। जैसे आप लोगों को पता है ह्यूमन बींग्स का अपने बेसिकली देखते हैं तो कितना होता है, ह्यूमंस की अगर बात करें तो लगभग वो 100 ईयर्स तक जीते हैं, है ना। एक अपने बात करते हैं नॉर्मल सी कि 100 ईयर तक वो ह्यूमन बींग्स जो है लाइफ अपनी कंटिन्यू करते हैं। बट आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है, 100 साल एज बहुत कम लोगों की होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? हालांकि होती तो ह्यूमंस की 100 ईयर तक है, बट अपने क्या करते हैं, ठीक है कि खाना पीना आजकल ऐसा हो गया अपना, अपने बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, है ना। इन सब चीज़ों की वजह से अपनी बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अपनी बॉडीज में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है और अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चालू हो जाती है। और इसके बाद में अब अपनी आपकी बुक में आए 7.1 जो टेबल दी हुई है, उसके अंदर सारी की सारी अलग अलग एनिमल्स की लाइफ स्पान दी हुई है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई क्या करती है भाई, जो बटरफ्लाई होती है लगभग, या अपने अगर बात करें उसका लाइफ स्पान कितना होता है, 1 वीक का। अब अगर अपने हाउस फ्लाई की बात करें, घर में जो मक्खी होती है ना, नॉर्मल हाउस फ्लाई उसको बोलते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं घर में, उनका लाइफ स्पान कितना होता है, 1 to 3 months। कितने टाइम तक जीती हैं वो, लगभग 1 to 3 या 4 months तक उनका लाइफ स्पान होता है। अगर अपने एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का क्या होता है, एलिफेंट का लाइफ स्पान होता है लगभग 70 to 90 years। एलिफेंट की बात करें 60 to 90 years। अब बच्चों अगर अपने ऊपर दोबारा देखें तो पहले टाइम में क्या होता था, ह्यूमन बींग की एज लगभग 100 साल तक होती थी, बट अब अपने देखते हैं इतनी उम्र किसी भी पर्सन की नॉर्मली नहीं होती। तो एक पर्सन जो ह्यूमन बींग है वो लगभग 60 से 80 साल तक जीता है, अगर आज के अकॉर्डिंग अपने देखें, अपने प्रेजेंट लाइफ के अकॉर्डिंग, तो ह्यूमन बींग का लाइफ स्पान कितना रहेगा, 60 to 80 years। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि अपने जैसी एंटिटी या फिर अपने जैसे बनाए रखना, यानी कि बच्चे पैदा करना, क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या कहा जाता है उसको, रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल मिलकर क्या करते हैं, यंग वंस को पैदा करते हैं, यानी कि छोटे छोटे यंग वंस जो है, यानी कि नई लाइफ जो है उसमें से पैदा करते हैं। जैसे अपने ने ओल एग्जांपल्स देखे, जैसे कि एनिमल आ गए, ह्यूमन बीइंग्स आ गए, डॉग है, कैट है, ये क्या करते हैं, नए एनिमल्स को बर्थ देते हैं जो कि उनके जैसे होते हैं, दे आर लाइक देमसेल्व्स, यानी कि उनकी तरह ही होते हैं। तो ये बच्चों अपना कौन सा पॉइंट था, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। इस बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, बच्चे जो है पैदा करते हैं जो कि उन्हीं के जैसे दिखाई देते हैं। अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है भाई, रिस्पॉन्स का मतलब तो आपको पता है,
उसके लिए अपनों ने बताना कि हाँ हमें ये चीज़ समझ आ रही है, या फिर जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में प्रतिक्रिया देगा, समझ गए। अब देखो स्टिमुलाई क्या होता है, यानी कि आपको कोई चीज़ फील हुई, किसी चीज़ सेंस हुई, कोई चीज़ मान लो आपको किसी ने टच किया तो आपको फील हुआ, आपने उसके लिए रिस्पॉन्स दिया, है ना। अगर आपको किसी ने मारा तो आपने उसके लिए रिस्पॉन्स दिया कि भाई तूने मुझे क्यों मारा, है ना। वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं ना, वो भी अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, देखो बच्चों आपने टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना होगा, जिसको अपने हिंदी में छुई हुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छुई हुई। ये प्लांट जो होता है ना वो क्या करता है, अगर आप इसकी लीव्स को टच करोगे ना तो इसकी लीव्स क्या होती है, मुरझा जाती है। मतलब कि इसकी लीव्स के अंदर जितना भी पानी होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, समझ रहे हो। क्या हो जाता है वो इवेपोरेट, और इसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, बिल्कुल मुरझा जाती हैं और एकदम सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो प्लांट्स के अंदर था, यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं वो स्टिमुलस के तरफ। अगर अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें, आपको कहीं पर आपके पास पानी का टब पड़ा है, आपको ध्यान नहीं है कि वो पानी गर्म है, आपने क्या किया उसमें हाथ डाल दिया, तो आपने एकदम से हाथ बाहर निकाला तो आपको पता चल गया कि मतलब कि ये पानी गर्म है, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने हाथ डाला तो हाथ निकाल दिया ना, तो मतलब कि आपने उसके लिए रिस्पॉन्स शो कर दिया। यानी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस की तरफ, ठीक है बच्चों। ये थे अपने कुछ 6 पॉइंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने लिविंग और लिविंग थिंग्स के कुछ पॉइंट्स या कुछ करेक्टर और डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को ध्यान से समझना और साथ साथ कंटिन्यू करते रहना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।